नैना नहीं आ रही क्या? नहीं, वो कह रही है खुद ही आ जाएगी। सही कहा उसने, कल तुमने बहुत बुरा किया उसके साथ। हाँ, मगर मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से मनाना भी जानता हूँ, डोंट वरी। क्या करोगे तुम? क्या उरुसा को खिड़की से बाहर फेंक दोगे? नैना को बस इसी से ही खुशी मिलेगी। आयला, देखो उरुसा और मैंने ब्रेकअप कर लिया है। क्या सच कह रहे हो तुम? सिनान, यकीन करो मुझे इस बात का अंदाजा था कि ये सब होने वाला है, और मैं ये भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे सिनान, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते हो। शायद तुम ये बात भूल गए हो कि तुमसे ज्यादा मैं तुम्हें जानती हूँ। देखो आयला, नैना और मैं सिर्फ दोस्त हैं, जिसे मैंने कल नाराज कर दिया था और अब उसे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस इसके अलावा कोई बात नहीं। एंड आई डोंट हैव एनी फीलिंग्स फॉर हर। इसके अलावा और कोई बात नहीं है ना? यार क्या मतलब है तुम्हारा? जाहिर है बस यही बात है। देखो मुझे नहीं मालूम कि तुम क्या क्या सोचे बैठी हो, मगर तुम जो सोच रही हो गलत सोच रही हो। समझ गई समझ गई। आबेद, 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 बात सुनो मेरी। अभी मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, ठीक है? अगर तुम्हें किसी दोस्त से मिलना है तो जाके मिलाओ, या फिर जो मर्जी हो वो करो तुम। बल्कि ऐसा करो तुम, अपने लिए, मेरा मतलब है अपने लिए रहने की कोई जगह तलाश करो तुम। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। बताओ मुझे क्या हुआ है? ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आती कि इस्तांबुल में मैं किसी को नहीं जानता, 21 साल बाद वापस आया हूँ यहाँ। ये शहर अब इतना बड़ा हो चुका है कि मुझे डर लगने लगा है कि कहीं मैं खो ना जाऊँ। ना तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? आबिद फजूल बातें मत करो, तुम्हें इस्तांबुल में क्यों डर लगेगा? तुमने कहा था कि तुम कुछ लोगों को जानते हो, तो यूं फारिग बैठने से बेहतर होगा कि तुम उनसे मिलाओ। तुम समझ क्यों नहीं रही हो नैना? अभी तो मैंने तुम्हें बताया कि इस शहर के रास्तों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, तो कैसे उनसे जाके मिलूंगा यार? ऐसा करो तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मुझे काम पर जाना है, डॉक्टर हूँ मैं। ठीक है, फिर हम किसी और दिन साथ चलेंगे। मैं नहीं चलूंगी। हम जाएंगे। कहा ना नहीं, तुम्हें जाना होगा मेरी खातिर। आबिद, मेरी बात सुनो, जाके कुछ जॉब ढूंढो अपने लिए। समझ गया, मैं तुम्हारे पास बहुत उम्मीदें लेके आया था नैना, कि कुछ हो जाए नैना मेरी मदद करेगी, मुझे अकेला कभी नहीं छोड़ेगी। अच्छा हुआ तुमने मेरी गलतफहमी दूर कर दी, बहुत शुक्रिया नैना। कहाँ आकर फंस गई मैं? चलो घर पर ही रुको तुम, कोई टूर गाइड ढूंढती हूँ तुम्हारे लिए, ताकि मिस्टर आबिद कहीं खो ना जाए इस्तांबुल में। या अल्लाह, ये कहाँ फंस गई हूँ मैं? तुम बहुत ही अच्छी हो मेरी दोस्त, बस एक बात का जवाब दे दो कि पूरा दिन घर में रह के करूंगा क्या मैं? मुझे क्या मालूम, टीवी देखो, जो भी करना है करो, अगर बोर हो जाओ तो जाके सो जाना। मैं पूरा दिन घर पे बोर हो जाऊंगा? आइडिया, मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलता हूँ। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे ऐसा बिल्कुल हो सकता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपने काम से काम रखूंगा, बल्कि एक कोने में बैठ जाऊंगा खामोशी। ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं घर पे रुक जाता हूँ, मैं घर पे रहूंगा और खाना बनाऊंगा, लेकिन मेरी कोई गारंटी नहीं है इस पे कि कोई गड़बड़ नहीं होगी। जो भी गड़बड़ होगी उसकी जिम्मेदार तुम होगी, और काम करते हुए तुम्हें पता है लाउड म्यूजिक सुनना मेरी पुरानी आदत है, तो हो सकता है पड़ोसी आ जाएं और पुलिस में कंप्लेन कर दें तुम्हारी, क्योंकि तुम्हें मालूम ही है कि टर्किश लोगों का गुस्सा बहुत तेज होता है। डरा रहे हो तुम मुझे? डराना मेरा मकसद नहीं है, मैं तो सिर्फ वार्न कर रहा हूँ। यहाँ मेरे रब, ये लड़का तो मुझसे भी दो कदम आगे है भाई। ओके, तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चल सकते हो। यस। लेकिन एक शर्त पर, वो यही कि लंच टाइम में तुम्हारे लिए फ्लैट ढूंढने चलेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है। वादा? वादा। कसम खाओ। मैं कसम नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं डरता हूँ। मैंने कहा कसम खाओ। नहीं, मैं कसम नहीं खाऊंगा, तुम मुझसे जबरदस्ती करा रही हो। समझ नहीं आ रही आबिद? चलो तुम्हारी कसम, जाओ जाके फ्रेश हो जाओ पहले। शुक्रिया दोस्त, मैं अभी आया। अई, हाथ मत लगाओ मुझे गंदे इंसान। क्या मेरे रब, कुछ गलत तो नहीं कर रही ना मैं? तीसरे फ्लोर पर 27 नंबर कमरा है, उल्टे हाथ पे हॉल की जानेब। आह, क्या हाल है डॉक्टर आयला? कैसे हो मलिक, आज बहुत खुश लग रहे हो, कोई ख्वाब में आया था क्या? कौन आएगा ख्वाब में मेरे, मैं तो इसलिए खुश हूँ कि डॉक्टर बादल वापस आ गए हैं। प्लीज मलिक, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। डॉक्टर आयला, बात तो सुने। बाजल,
बाजिल, मैं मसरूफ हूं थोड़ा, इसलिए कोई बात नहीं कर सकता। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? वो इसी हॉस्पिटल में है, उसका नाम बुरान है, चेक तो करे। देखिए मोहतरमा, मैंने आपको बताया है ना कि मैंने चेक कर लिया है। तुम ठीक से चेक नहीं कर रहे हो। अल्लाह, मैंने आपको बताया है ना कि मैंने अच्छी तरीके से चेक कर लिया है। नहीं, दोबारा से चेक करो। मैंने आपसे कहा ना कि मैं अच्छी तरह देख चुका हूँ, अब मैं और कितना चेक करूँ। ये लेकिन दोबारा चेक कर लेता हूँ। ये देखिए, चेक कर लिया है मैंने। मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो यहाँ पर नहीं है। नहीं, वो इसी हॉस्पिटल में है। आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा? एक्सक्यूज मी मैडम, ये बताएं कि क्या मसला है आपका? बेटा, इससे कह रही हूँ कि मेरा बेटा इसी हॉस्पिटल में है, लेकिन इसे यकीन ही नहीं आ रहा मुझ पर। मुझे पता है वो यहीं है। सही। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए कि आपके बेटे का नाम क्या है? बुरान रईस। वो यहाँ नहीं है। हाँ, वो गोरा सा, लंबा सा, आप उसकी बात कर रही हैं ना? और वो माशाल्लाह से दिखने में भी सेहतमंद है। हाँ, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं ऐसा करती हूँ कि आपको आपके बेटे के पास ले जाती हूँ, ठीक है? ठीक है बेटा, शुक्रिया। कुछ लोग अपना पूरा नाम नहीं लिखवाते, इसलिए मुश्किलात पेश आती हैं हमें। वैसे फिकर की कोई बात नहीं। हेड ले रही हैं। अच्छा ठीक है, समझ गई, सब संभाल लूंगी मैं। छोड़ो, ये इतनी अहम नहीं। पिछले कुछ सेकंड में कुछ चीजें नोट की है मैंने तुम्हारे बारे में, जैसे कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो। कभी हीरोइन बनने के बारे में सोचा है तुमने? अगर तुम चाहो तो मेरे कुछ दोस्त हैं जिनसे मैं तुम्हें कनेक्ट करवा सकता हूँ। साइड पोस्ट से तो लगता है कि हुरम सुल्तान को देख रहा हूँ। ट्रस्ट मी, तुम छा जाओ। एक मिनट, इसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन मत करना तुम। और हाँ, इन मोहतरमा को रूम नंबर 5 में ले जाइएगा प्लीज। अरे फाइल कहाँ ले जा रही हो, ये तो दे दीजिए। बात सुनो मेरी, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक दूंगी। क्या? इलेक्ट्रिक शॉक दूंगी। अभी तक तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम इससे रहो। कोई भी फजूल हरकत बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। चलो यहाँ से, चलो चलो। एक मिनट रुको। क्या हुआ? उस लड़की से माफी तो मांग लूं? मैं उससे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। इस फाइल को वहां अच्छा रख, रख रहा हूँ यार। अच्छा, अपनी फाइल अपने पास रखो, बिल्कुल बेकार। यार अब ये मेरे साथ क्या हो रहा है? नैना, ये तुम्हारा दोस्त है क्या? मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। आप कौन? डॉक्टर सिन्हा। अरे सिन्हा, कैसे हो यार? आई एम गुड, एंड यू? मी टू। नैना, छोड़ो मुझे, जल्दी आ जाओ, मरीज इंतजार कर रहे हैं अगर तुम्हारे पास वक्त। क्या हुआ सिनान? बाजल वापस आ गया क्या तुम्हें मालूम है? क्या हुआ यार? अरे तुम्हें याद है हम मिले? प्लीज मेरी जान छोड़ दो, अकेला छोड़ दो मुझे प्लीज। तुम्हें खुदा का वास्ता, जाओ यहाँ से। अच्छा यार रिलैक्स हो जाओ, तुम जा रहा हूँ मैं। तुम्हें जब देखता हूँ तो अंदाजा होता है खूबसूरती क्या होती है। मेरी नजरों से दूर हो जाओ तुम। यार मैं पागल हो जाऊंगी, पागल हो जाऊंगी मैं। क्या सिनान से लड़ाई हुई है तुम्हारी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने तो इसे रोकने के लिए इसका हाथ पकड़ा था, और डॉक्टर सिनान ने मुझे देख लिया इसके साथ। अगर मुझे मालूम होता कि डॉक्टर सिनान आ रहे हैं तो मैं इसका हाथ भी ना पकड़ती। और जानती हूँ, ऊपर से इस जाहिल आदमी ने सिनान से कह दी कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। अब इसमें हंसने की क्या बात है? क्या तुम्हें समझ नहीं आया? सिनान जेलस हो गया था, जानती हो ना इसका मतलब? यार आयला, वो जेलस क्यों होगा भला? वैसे भी मेरे लिए फीलिंग्स नहीं रखता। यानी डॉक्टर सिनान मेरे लिए फीलिंग्स रखते हैं, क्या ये सच है? सच है, शुक्र इसे समझ तो आया मेरे खुदा। तो मुझे अभी जाकर उनसे बात करनी चाहिए। क्या? उससे तुम कोई बात नहीं करोगी, ना ही कुछ कहोगी। तुम्हें याद नहीं कल उसने तुम्हारे साथ क्या किया? अब बदला लेने का वक्त है। तुम्हें यकीन है? मुझे पूरा यकीन है, वो मेरा भाई है, मैं उसे जानती हूँ। ये तरकीब जरूर काम आएगी हमारे। और अगर ऐसा ना हुआ तो? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझ पर यकीन रखो। यहाँ इस जगह पे साइन करते हैं। अब मैं क्या करूँ? बहुत ही तफरी आदमी है ये। तुम इस हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? तुम्हें तो किसी रैंप पे मॉडलिंग करनी चाहिए। इससे नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि आजकल ऐसी शक्लें सिर्फ हमें रैंप पे ही नजर आती हैं। अगर ये बात तो हमें एक साथ तस्वीर लेनी चाहिए, क्या ख्याल है? एक्सक्यूज मी, मुझे इनसे बात करनी है, बहुत जरूरी बात। तो चले मिस्टर आबिद, आज रात मैं तुम्हें फोन करूंगा, ओके? श्योर। मेरे फोन का इंतजार करना। यार आबिद खामोश हो जा, आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? अगर तुम अपनी इन फजूल हरकतों से बाज नहीं आए तो कसम खाती मैं तुम्हारी जान लेगी। कैसी हरकतें कर रही हो यार? वाह, अरे ये क्या है यार? अरे यार छोड़ो इसे, आबिद छोड़ो, वापस रखो इसे। और प्लीज किसी भी चीज को हाथ मत लगाना यहाँ। बात सुनो मेरी, वो मुझे तुमसे एक बहुत ही अहम मसले पर बात करनी है, समझो कि इमरजेंसी है। चलो बैठ जाओ वहाँ, चलो। अब क्या बिठा के मुझे डांटोगी आराम से? हाँ हाँ डांटूंगी, मगर अभी नहीं। अब फिलहाल मेरी बात सुनो, हम दोनों को एक कपल की तरह एक्टिंग करनी है, और जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, लेकिन ये सब कुछ दिनों के लिए होगा। मगर अब एक बात सुनो, किसी को शक ना हो। हाँ तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं ऐसी एक्टिंग करूंगा कि तुम्हें लगेगा ही नहीं कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, बल्कि ऐसा लगेगा कि मैं रियलिटी में तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ।
लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। कैसी शर्त? हाँ, ये कि एक साल तक घर पे ही रहूंगा मैं तुम्हारे। हरगिज नहीं। ओके, तुम्हारी मर्जी है। अयूफ, आबिद उफ, ठीक है, मगर ये सब कुछ अरसे के लिए होगा। हाँ, चलो फिर इस एक्टिंग को रियलिटी में तब्दील करते हैं। हाथ नहीं लगाओ, पीछे हटाओ अपने हाथ। सुना नहीं, छोड़ो मुझे। यार उफ, क्या हालत कर दी है मेरी। चलो अब यहाँ से। चलो चलते। मिल तो लो। नैना साहब, क्या आज पूरा दिन आप यही करती रहेंगी? नहीं, थोड़ी देर में हम लंच पे जा रहे हैं क्योंकि बहुत भूख लग रही है। एक लंबे अरसे तक हम एक दूसरे से बहुत दूर रहे तो सोचा थोड़ा वक्त साथ गुजार। क्यों नैनू? बिल्कुल गुड। हाँ, ये बिल्कुल सच कह रहा है। आबिद यहाँ नहीं था तो इसलिए हमें वक्त साथ गुजारने का मौका ही नहीं मिला, तो सोचा क्यों ना अब साथ वक्त गुजारा जाए। डॉक्टर, इमरजेंसी में एक पेशेंट आई है जिन्हें उर्दू नहीं आती, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। ओके, चलो चलकर देखते हैं। अरे बात तो सुनो, मुझे जर्मन आती है, मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ वाकई। हेलो मैडम, कैसी हैं? Es geht mir so schlecht. Mein Bauch tut mir so weh. Herr Doktor, können Sie mir helfen bitte? Es geht mir so schlecht. Hi, क्या आपको उर्दू समझ में आती है? Nein. थोड़ी जगह दीजिए, मैं इनसे बात करता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा, जाओ यहाँ से फौरन। एक मिनट रुको यार। So eine schöne Frau sollte nicht krank werden. Weißt du, die Krankenhäuser machen uns krank. Ja, alles das Teil eines Systems. Genau, ja. Genau, genau, ja, genau. देखा तुमने, आबिद ने ये मसला कितनी आसानी से हल कर दिया, और हमें इस बात पे इसका शुक्रिया अदा भी करना चाहिए। क्यों डॉक्टर सिनान? आबिद, शुक्रिया तुम्हारा। सुमैया, क्या हमारे हॉस्पिटल में कोई एक भी डॉक्टर ऐसा है जिसे जर्मन आती हो? नहीं डॉक्टर, कोई नहीं है। आबिद, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि मरीजों को क्या तकलीफ है? एक मिनट, देखने ना, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, पूछता हूँ। जल्दी पूछो। अरे पूछता हूँ, जल्दी किस बात की है? इस तरह मसला हल हुआ। वाकई? बिल्कुल। बड़ी अच्छी बात है यार। वो तो बाद में मुझे पता चला कि मरीज वो नहीं, कोई और था। बाजिल, ये बात थी। ओके, सी यू। ओके, सी यू। कॉफी पीने चले हम? मुझे कुछ बात भी करनी है। वक्त नहीं है मेरे पास आयला, कहीं जाना है मुझे अभी। ओके? बासिल, ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? क्यों इग्नोर किया जा रहे हो मुझे? कौन कर रहा है इग्नोर? हाँ, एक्चुअली पेशेंट्स इंतजार कर रहे हैं मेरा, समझे? बाय। ये क्या कर रहे हो? Wenn du willst, gehen wir draußen, okay? Schau, ich zeige die Versteckten von Istanbul, Schatzi. Was meinst du? Ich weiß nicht. अगर आप लोगों का मजाक हो गया हो तो आप मुझे बताएंगे कि मरीजों को तकलीफ क्या है? डॉक्टर, वैसे आप बड़े एहसान फरामोश हैं। एक तो आबिद हमारी मदद कर रहे हैं और आप उस पर तंज कर रहे हैं। अगर ये यहाँ मौजूद ना होता तो हमें इनकी बीमारी का कभी पता ना चलता, और हमारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन भी खराब होती। कल की न्यूज में होता कि एक हॉस्पिटल के मायानास डॉक्टर मरीजा की बीमारी का पता ही ना लगा पाए। मैंने सही कहा ना? हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम कभी गलत कहती ही नहीं। वैसे मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ काम नहीं कर रहा, बस तुम लोगों की मदद कर रहा हूँ। इनके लिए पानी ले आओ जल्दी से। ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। अच्छा, काम की बात यह है, इन्होंने बताया कि इनके पेट के हिस्से में बहुत दर्द है, तो आप इनको यहाँ से चेक कर सकते हैं। थोड़ा नीचे यहाँ। बहुत शुक्रिया। ये तो उनके लिए था। कोई टेंशन नहीं नैना। बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। जी बिल्कुल। हाँ हाँ, जरूर बात करें आप लोग। आप जाएं, आपको कब रोका? वैसे ये आदमी इतना गुस्से में क्यों रहता है? मुझे नहीं मालूम। तुम भी बाहर चली जाओ ताकि हम आराम से बात कर लें। ओ अच्छा। नैना, ये बताओ ये आखिर लड़का कौन है? हाँ, यहाँ क्या कर रहा है ये? या तो ये ठीक ठीक तर्जुमा करके हमें बता दे, वरना फिर
यहाँ से चला जाइए, हम कोई और ट्रांसलेटर ढूंढ लेंगे। मेरा ख्याल है कि आपको इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए डॉक्टर कि वो कौन है, कहाँ से आया है, बल्कि हमें तो उसका एहसान मानना चाहिए कि उसने हमारी मदद की है। डॉक्टर सिनान, आखिर डॉक्टर सिनान को इतना गुस्सा आ रहा है, इसके पीछे जरूर की वजह होगी। हाँ हेलो मिस्टर मलिक। ओ सादिया मैडम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। मुझे लगता है आप मुराद सर से मिलने आई हैं। जी हाँ बिल्कुल। बाकी लोग नजर नहीं आ रहे, नैना कहाँ है? वो सब यहीं पर है, एक इमरजेंसी केस आया है, वो सब उसमें मसरूफ हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। मगर डॉक्टर मुराद अपने रूम में है। ठीक है, मैं उनसे जाके फिर वहीं मिल लेती। ठीक है। वेलकम। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, थोड़ा सा काम रह गया था वो खत्म कर रहा था। खैर ये बताओ तुम कैसी हो? अच्छा किया कि तुम आ गई। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ मुराद। अच्छा तो ये बताओ कि बाकी सब लोग किधर हैं? मैं सोच रही थी इतने दिनों बाद आई हूँ तो नैना और आयला से मिलती चलूँ। मेरे ख्याल से उन सबसे बाद में मुलाकात कर लेना, अभी हमें चलना चाहिए, मुझे वापस भी आना है ना यहाँ, तो चले हम फिर। ठीक है तुम्हारी मर्जी। ओके। मैं सोच रही थी इस वीकेंड पर उन लोगों को डिनर की दावत ना दे दें। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, करते हैं कुछ प्लान ऐसा, अभी चलें? ठीक है चलो। आ जाओ। शुक्रिया। सुमैया जैसे ही टेस्ट रिपोर्ट्स आए मुझे फौरन आके इत्तला दो। ठीक है डॉक्टर, रिपोर्ट्स आते ही मैं आपको बता दूंगी। मैं बता दूंगा, डोंट वरी। अच्छा ओके। शात्से वार्ता ऑफ मिश। ओके इसको मैं ग्लास। ओके माइन शात्स। ओके ओके। डॉक्टर सिनान ये चाहती हैं कि कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया जाए इन्हें रूम में। ठीक है ठीक है ठीक है चलो। ओके क्या मैं भी बाहर जाऊं? हाँ तुम्हें यहां रहना है तो तमीज से रहो, मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। टेक केयर। आई थिंक मैं थोड़ी देर बाहर जाके ताजा हवा खा लेता हूँ, हॉस्पिटल की आबो हवा मुझे सफोकेट कर रही है। हाँ मगर दूर मत जाना, अगर कहीं खो गए तो कहाँ ढूंढती फिरूंगी मैं तुम्हें। ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, परेशान मत। ओके ओके फिर मिलते हैं, बाय। वो कमरा नंबर 30 में है, यहाँ से उल्टे हाथ पे चले जाएं, वहीं पर है। ओ खुदाया, है ना ये पागल औरत यहाँ पर क्या कर रही है? मालिक देखो मैं आ गई। क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों आई? हाय इसे तो पकड़ो, ये बहुत भारी है। मेरे मंगेतर मैं आ गई। अच्छा आहिस्ता बोलो, ये अस्पताल है समझी। देखो क्या क्या बना के लाई हूँ मैं तुम्हारे लिए, केक पेस्ट्री सैंडविच बहुत कुछ बना के लाई हूँ, क्योंकि आज हम लोग अपनी मंगनी का जश्न मनाएंगे मिलकर। हेलो डॉक्टर, चुप करो। अरे क्या हुआ मलिक, तुम मेरे होने वाले शोहर हो तो इसमें इतना शर्माने की क्या बात है? खैर छोड़ो, आओ मेरे साथ आओ तुम। आप सब लोग कैफेटेरिया आ जाएं, हमारी मम्मी की पार्टी है, साथ में सेलिब्रेट करेंगे। मंगनी जशन आखिरी सब बोल क्या रही है? आइला 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 आइला, तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी, आबिद को देखकर सिनान को बहुत गुस्सा आ रहा है यार, सिनान का बस चले तो उसका कत्ल ही कर दे। वाओ अच्छी बात है ये तो, वैसे मेरे भाई ने तुम्हें बहुत तंग किया, अब तुम तंग करो उसे। दिल टूटना क्या होता है, मर्दों को भी एहसास होना चाहिए। मुझे तुम कुछ परेशान लग रही हो, बातों बातों में तो मैं ये पूछना ही भूल गई, सॉरी। बाजिल मुझे मुसलसल इग्नोर किया जा रहा है। हाँ ऐसा क्यों? मुझे नहीं मालूम, यही बात तो परेशान कर रही है मुझे। आइला प्लीज मुझे माफ कर देना तुम, मुझे इसी वक्त जाकर आबिद को सबक सिखाना होगा, वो ऐसे बाज आने वाला नहीं है। ऐसा करो तुम कैफेटेरिया चलो, मैं वहीं आकर तुमसे मिलती हूँ, वहाँ आकर मैं तुमसे तफसील से इस बारे में बात करती हूँ, ठीक है? ओके मेरी जान। ठीक है मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। शुक्रिया। आबिद या अल्लाह मेरी मदद कर। आबिद
कसम से मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी, इसलिए इस कमरे से निकल जाओ तुम। बात सुनो मेरी, बेहतर होगा मेरी आंखें खोलने से पहले ही तुम इस कमरे से चले जाओ। अगर मैंने आंखें खोली और तुम यहाँ हुए तो कसम खाती हूँ कि तुम्हें कोई नहीं बचा सकता मुझसे। ठीक है, अब मैं आंखें खोलने वाली हूँ। एक दफा फिर सोच लो आबिद, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो यहाँ से फौरन निकल जाओ। देखो आंखें खोल रही हूँ अब मैं। नैना यार तुम भी अजीब हो, क्या मसला है? हम यहाँ आराम से बैठ कर मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। यार आबिद आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? अगर यहाँ पे डॉक्टर सिन्हान आ जाते तो हमारा सारा प्लान बर्बाद हो जाता। क्या तुम ये बात भूल गए कि हमारे दरमियान एक डील हुई है? उठो यहाँ से, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। यहाँ ऐसा हरगिज नहीं होगा, समझ गए तुम? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, चलो यहाँ से। गुड बाय स्वीट हार्ट, डोंट मिस मी सो मच। मैंने कहा चलो यहाँ से आबिद। बहुत ही कोई बकवास दिन था आज का, है ना? कुछ छुपा रहे हो तुम मुझसे? और बर्दाश्त नहीं होता। नैना से बात की? नहीं, मैं बात नहीं कर पाया। पता नहीं कहां से उसका बॉयफ्रेंड टपक पड़ा। अजीब पागल इंसान। क्या, नैना का बॉयफ्रेंड? सीरियसली? हाँ उसका बॉयफ्रेंड, उसका बॉयफ्रेंड है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं। खैर तुम बताओ तुम्हें क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ मुझे यार, बोरियत हो रही है। बाहर चलते हैं कैंटीन में। ठीक है चलो आ जाओ, चलते हैं। लीजिए लीजिए, बिल्कुल मत शर्माइए। मलिक और मेरी मंगनी हुई है, हम लोग बहुत खुश हैं। मैं कितनी खुश हूँ मैं बता नहीं सकती तुम्हें मलिक। अरे आप लोग भी आइए ना, खाइए प्लीज। कल रात हमने एक दूसरे को ये अंगूठी बनाई है मंगनी की एक दूसरे को। अब हम दोनों की मंगनी हो चुकी है, बहुत खुश है हम लोग। लीजिए ना। तुमने बनाया है सब कुछ? जी हाँ मैंने बनाया है। बहुत जबरदस्त। मलिक तुम तो बहुत लकी हो यार, प्लेट देना मुझे। ये तो बहुत मजे का है ना साहिबा। अच्छा बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर। हटो मेरी जान। हाँ ये लो, तुम भी तो कुछ खाओ ना। यार मलिक तुम बहुत खुशकिस्मत हो, रोज तुम्हें बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। पसंद आया तुम्हें? अच्छा है ना। मलिक बैठ कर खा लो। छोड़ो। हिना साहिबा, कुछ बच्चे ऊपर वार्ड में एडमिट हैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो उनके लिए एक प्लेट ले जाऊं मैं? हाँ डॉक्टर साहिबा, मैंने पहले से ही बॉक्स बना दिया था कि अगर कोई हमारे साथ शामिल ना हो सका तो उसे बॉक्स दे देंगे। हिना साहिबा बहुत शुक्रिया आपका। क्या हो रहा है? बहुत टेस्टी लग रहे हैं तो। लीजिए लीजिए प्लीज। बाजिल क्या हम बात कर सकते हैं? जरूरत नहीं, जैसा चल रहा है चल लें तो। रुको बाजिल, बाजिल आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है बताओ मुझे, क्यों मुझे मुसलसल इग्नोर किए जा रहे हो तुम? क्या वाकई तुम नहीं जानती आला? Thank you.
क्या ये सब तुम अकेले ही खा जाओगी? नहीं, फोर्थ फ्लोर पे चिल्ड्रन वार्ड है, वहां ले जा रही हूँ। क्या बात है, गुड जॉब नैना। हाँ, ये क्या हो रहा है? हाँ नैना रिलैक्स। ओह गॉड नैना, क्या हो गया? आराम से। नहीं नहीं, कैसे आराम से रह सकती हूँ? यहाँ धम घुट रहा है मेरा यहाँ। सिनान नैना रिलैक्स, काम डाउन नैना, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स हो जाओ। अच्छा मेरी बात सुनो गौर से, गहरी गहरी सांसें लो शाबाश, मैं हूँ तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा, तुम रिलैक्स हो जाओ और गहरी गहरी सांसें लो। मैं सही से सांस नहीं ले पा रही सिनान, लग रहा है मेरा सांस रुक जाएगा। इधर आओ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, डरो मत, डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं साथ हूँ तुम्हारे, परेशान ना हो, गहरी गहरी सांसें लो, बस ठीक हो जाएगा अभी सब, काम डाउन, शाबाश। सिनान थैंक यू, मुझे संभालने के लिए, अब ठीक हूं मैं। थैंक यू की जरूरत नहीं, रिलैक्स हो जाओ। नैना तुम्हारे लिए कुछ है मेरे पास, कुछ नहीं हुआ, काम डाउन। डॉक्टर नैना आप ठीक तो हैं? जी ठीक हूँ, थैंक यू। नैना अरे तुम बाहर आ गई, मैं बहुत परेशान हो गया था, मुझे किसी ने बताया था कि तुम लिफ्ट में फंस गए, मेरी जान, खुदा का शुक्र है कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं, मैं तो बहुत परेशान हो गया था। अब हम घर चलते हैं और तुम घर चल के आराम करना, मैं तुम्हारी खैवा बनाऊंगा। मैं भी एक दफा लिफ्ट में फंस गया था, मगर खुदा का शुक्र था कि एक लड़की थी मेरे साथ लिफ्ट में, वरना तो मेरा टाइम बहुत मुश्किल से गुजरता। तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है तुम बहुत परेशान हो गई हो, अभी बस घर चल रहे। थैंक यू डॉक्टर। आबिद आप अब उठना पसंद करेंगे? चलो उठ जाओ जल्दी, मैंने तुम्हारे लिए बहुत जबरदस्त नाश्ता बनाया है। आबिद उठ भी जाओ यार, तुम बहुत अच्छी हो कसम से। एक काम करो नैना, मेरा नाश्ता यहीं रख दो, मैं अभी थोड़ा सोना चाहता हूँ, उठ के खा लूंगा। सुनो नहीं, मैंने तुम्हें कहा उठो जल्दी। ओह गॉड, ये तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा, किस तरह उठाऊं उसे मैं यार। आबिद जल्दी उठ जाओ यार, मुझे देर हो रही है। मेरा नाश्ता टेबल पे ले आओ, नवाब ही देखो जरा इसकी, जैसे मैं कोई नौकर हूँ। सोने से भी प्रॉब्लम है, जागने से भी प्रॉब्लम, क्या है यार? ओफ खुदा, अगर तुम मुझे प्यार से भी उठाओ कि तो मैं उठ जाऊंगा, इतनी बदतमीजी करने की क्या जरूरत है आकर नैना? मैं तो मासूम सा पंछी हूँ, जैसे ही सुबह होती है ये पंछी खुद ही जाग जाता है, उसको परेशान करने की क्या जरूरत है यार? अच्छा तो आपकी नॉलेज के लिए बताती चलूं कि परिंदे सुबह रोशनी होने से पहले ही जाग जाते हैं, आपकी तरह बिस्तर नहीं तोड़ते रहते। क्या लाइफ मेरी दोस्त, मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें मेरे साथ इस घर में रहना है तो मेरे उसूलों पर चलना होगा, समझे? हाँ, अगर तुम मेरे उसूलों पर नहीं चल सकते तो एक हल है इसका, वो देखो वहाँ है दरवाजा, चुपचाप चले जाना। हाँ यही होता है, यही है अमीर और गरीब का फर्क। मेरी बात याद रखना, जिस दिन ये नशा उतरेगा ना अमीरी का, उस दिन एहसास होगा कितनी संगदिल। यही कहने वाला कौन है? मैं हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? अच्छा ओके, अगर तुम चाहती हो मैं चला जाऊँ तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन मेरे जाते ही तुम्हारा फर्जी बॉयफ्रेंड नहीं मर जाएगा। अच्छा तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? हाँ मुझे नहीं मालूम नैना, जो तुम समझना चाहती हो समझ सकती हो, अब मैं मजीद जलील नहीं हो सकता। अगर मुझे मालूम होता कि इतना जलील होगा तो कभी यहाँ नहीं आता यार। आ, आ, देखो तो जरा यार, क्या घर को कबाड़ खाना बनाया हुआ है।
सिनान तुम क्या कर रहे हो यहाँ सुबह सुबह? हाँ वो मैं प्लास्टिक बैग ढूंढ रहा हूँ, कहीं मिल ही नहीं रहा। किस लिए चाहिए तुम्हें? ये डोनट्स रखने थे मैंने उसमें, जो मैंने नैना के लिए लिए थे। क्या वाकई तुमने नैना के लिए डोनट्स खरीदे? वो मैं कल अपने लिए लेने गया था तो सोचा उसके लिए भी ले लूं। ये डोनट्स तो बिल्कुल ताजा लग रहे हैं। एक्चुअली वो मैंने सोचा कि वो अक्सर देर कर देती तो इसलिए पहले से उसके लिए लेके रख लूं। अरे तुम दोनों वाकई कितने अच्छे दोस्त हो ना, कितनी फिक्र है एक दूसरे की और कितना ख्याल भी रखते हैं, है ना? आयला कुछ पूछा था वहां सिंक के नीचे। हाँ हेलो नैना, बात सुनो, सिनान आ रहा है तुम्हारे पास अभी। और याद रहे जो गेम हम खेल रहे हैं उसके बारे में उसे पता ना चले। ओके ओके ठीक है ठीक है। ओह गॉड वो यहाँ आ रहा है सुबह सुबह, कैसी लग रही होंगी मैं। हाँ शीशा शीशा देखती हूँ, ये रहा। ठीक तो लग रही हूँ यार, शुक्र है टचअप की जरूरत नहीं। वैसे अच्छी लग रही हूँ मैं, प्यारी प्यारी सी क्यूट क्यूट सी। ड्रेस चेंज करूँ या नहीं क्या जरूरत, अच्छा तो लग रहा है। मेरे ख्याल से बस बाल सेट कर लेती हूँ, शायद आ गया। वो आबिद एक मिनट रुको, मैं दरवाजा खोल रही हूँ, तुमसे इंतजार भी नहीं हो रहा होगा ना मेरा। आबिद का बच्चा, दिल जा रहा है यही डोनट उसके सर पे जाके दे मोर, उसके बाद उसे अस्पताल ले जाकर उसका उल्टा सीधा इलाज करके उसे और अजियत दूं। तुम इस वक्त सिनान कोई काम है क्या? हाँ बिल्कुल, एक्चुअली मैं जरा एक काम से आया था तुम्हारे पास, मगर शायद तुम्हें किसी और का इंतजार था इस वक्त। खैर वैसे मैं आया क्यों था यहाँ पर? हाँ याद आया, तुम्हारे लिए डोनट्स लेकर आया था मैं, ये लो। मुझे लगा नाश्ता नहीं किया होगा तुमने। ये भी देखने आया था कि तुम रेडी हो या नहीं। मैं तकरीबन रेडी हूँ, बस दो मिनट में आई। ओके लगता है तुम्हारे आशिक की सुबह नहीं होती तुम्हें देखे बगैर। हाँ नहीं होती उसकी सुबह, देखो तुम और मैं सिर्फ एक ड्रामा कर रहे हैं उससे ज्यादा और कुछ नहीं, और ये ड्रामा हमारा काफी लंबा चलने वाला है, तो बराए मेहरबानी लिमिट्स में रहिए। पागल कहीं का, ये लो और पकड़ो इन्हें, डॉक्टर सिनान लाए थे मेरे लिए। अरे वाह डोनट, सुबह से मेरा बहुत दिल चाह रहा था डोनट खाने का। यार ये क्या बदतमीजी है, तमीज से तो खाओ इसे तुम, मैनर्स ही नहीं है, पूरे घर की पता नहीं क्या हालत कर दी है तुमने, देखो तो जरा यार। रिलैक्स हो जाओ नैना, अगर मैं इस तरह से भी खा रहा हूँ तो कोई मसला नहीं है। ये अपने गंदे पैर टेबल से हटाओ यार, पता नहीं किस गली से इंसान से पाला पड़ गया मेरा यार। उफ। गंदे अच्छे खासे प्यारे तो हैं। मेरे प्यारे भाई, हमारी कुलीग नैना कहाँ है, वो अभी तक आई क्यों नहीं? छोड़ो हमारी कुलीग को यार, उसके पास तो काम ही खत्म नहीं होते, और ऊपर से वो लड़का उसके साथ हमेशा चिपका रहता। क्या परेशानी है तुम्हें उससे? मुझे क्या परेशानी होगी, एक्चुअली उससे सही से जानते भी तो नहीं है हम लोग यार, तो खुद सोचो। अरे वो ऐसी कोई बात नहीं है, नैना तो जानती है ना उसे, और वैसे भी वो उसका बॉयफ्रेंड है तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। मेरी प्यारी दोस्त, गुड मॉर्निंग नैना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नैना। अरे वो आपका आशिक बॉयफ्रेंड कहाँ चला गया, वो आपके साथ नजर नहीं आ रहा। हाँ आबिद की बात कर रहे हो? वो अभी जरा मसरूफ है थोड़ा, मगर वो दोपहर में आएगा मिलने, मुझसे ज्यादा देर दूर नहीं रह सकता ना। तो मुझे क्यों बता रही, मैंने तो नहीं पूछा तुमसे आबिद का, जो चाहे मर्जी करो उसके साथ। जब देखो आबिद आबिद आबिद, दिमाग खराब करके रखती। चलो चलो। हाँ? ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हूँ मैं? तुम्हें अपनी गाड़ी में जाना चाहिए, वरना हमारा बना बनाया खेल भी कर सकता है। ओके ठीक है। नैना डियर, हमारे साथ चल रही हो ना हॉस्पिटल तुम? हाँ मैं चलती, लेकिन मुझे दोपहर में आबिद से मिलने जाना है, फिर किसी दिन चलूंगी मैं तुम लोगों के साथ, फिलहाल मैं अपनी गाड़ी में जा रही हूँ अभी। अच्छा ठीक है, फिर हम मिलते हैं। ओके खुदा हाफिज़। ओके खुदा हाफिज़।